कैसा रहा तुम्हारा सफर? यार मुझे बहुत बढ़िया रहा, बहुत मजा आया। मजा आया? हाँ आपके सीजन में और सीजन 14 में फर्क था बहुत? फर्क तो हर सीजन में होता है क्योंकि घर अलग होता है, आपके कंटेस्टेंट अलग होते हैं और ऑडियंस बदल जाती है। सीजन 2 और अब तक में तो 10-12 साल का डिफरेंस है, पूरी जनरेशन बदल गई है। सो इट्स नेवर सेम। आप कितने भी सीजन कर लो, अगर हर सीजन में भी आओगे तो स्ट्रगल और आपकी प्रॉब्लम चैलेंजेस सेम रहते हैं क्योंकि हर वक्त लोग बदल रहे, डायनामिक्स बदल रहे, ऑडियंस बदल रही है, समाज बदल रहा है, तो कभी भी सेम नहीं बिल्कुल रहता। राहुल, जब आप घर के अंदर गए तो आपकी अर्शी से नहीं बन रही थी और राखी से बन रही थी। जब आप घर से बाहर निकले तो अर्शी आपके लिए रो रही थी और राखी चुपचाप खड़ी थी। तो क्या हुआ, ये थोड़े हफ्तों में क्या बदला घर के अंदर? इसी को तो बिग बॉस कहते हैं। तो अर्शी अर्शी बहुत अच्छी लड़की है मेरी। उसकी पहले वो कुछ ज्यादा बातें करती थी, ज्यादा सीमाएं लांघती थी, तो मैंने उसको कहा कि अर्शी तेरे मेरे विचार नहीं मिलते हैं, तो हम अभी बात नहीं करेंगे। तो कम से कम 1-2 हफ्ता मैंने उससे बात ही नहीं की, उसको मैंने प्रोत्साहन नहीं दिया। राखी बात कर रही थी, फिर राखी ने अपनी लिमिट क्रॉस करना शुरू कर दिया, फिर राखी से बातचीत मैंने बंद कर दी। तब तक अर्शी ने आके मुझे सॉरी बोला कि राहुल मेरे से लिमिट क्रॉस हो गई, ऐसे मुझसे उतना ही बर्ताव करो जो तुम मुझसे बाहर करोगी। आपके हम सब सारे सेम है यहाँ, मैं कुछ तुमको बोल नहीं सकता हूँ, बिल्कुल तो बर्ताव वैसे ही करो जो बाहर कर सकते हो। आज आप मेरा एडवांटेज अंदर आके मत दीजिए। तो वो मानी और अर्शी क्या है, थोड़ी दिमाग से होगी, थोड़ी कुकू, मगर वो मस्त लड़की है, वो समझती लॉजिक को, तो मेरी उसकी बहुत अच्छी जमी लग गई थी। हम लोग बहुत कॉमेडी साथ में करते थे और वो जोक करती थी और उस पर मजाक करो तो मजाक ले भी लेती थी, उसकी बहुत बड़ी बात थी। और कई बार अर्शी बहुत चिल्लाती थी, पागल होती थी, बजती बजने लगती थी। ये वर्ड हमने सिखा है बिग बॉस में, बजना, ये राहुल वैद्य ने सिखाया ना बजना बजना। तो उसको मैं हाँ जाके बोलता अर्शी, मैं अर्शी को बोलता अर्शी तू बहुत बज रही है, अब शांत हो जा, तेरी इमेज खराब होगी। जैसे मैं उसको बोलता था कान में बात, वो तुरंत शांत हो जाती थी। तो मेरी सलाह को बहुत सलाखों पर रखती थी और हम अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि वो लॉजिक को समझ रही थी। पहले बताइए कि आप वो 3.5 लाख वाली अंगूठी किसको देने वाले हैं? अरे भाई मैं 25,000 रुपए उसको दे रहा था, पहले बात है किसी साढ़े 25,000 रुपए कपड़े धोने का दे रहा था। वो पच्चीस हाँ हजार का डील था, 3.5 लाख का, तो वो मांग रही थी। मेरी ऑफर तो 25,000 रुपए की थी और वैसे भी एजाज खान मेरे कपड़े फ्री में धो दिए, वो एजाज ने चुपचाप सीक्रेटली मेरे कपड़े कम सारे कपड़े धो दिए मेरे। अरे वाह, तो घर में हाँ कौन आपका अच्छा दोस्त बना? राहुल, अर्शी, एजाज, अभिनव शुक्ला? अभिनव मेरा बहुत अच्छा दोस्त बना, वो मेरा बहुत जबरदस्त सपोर्ट था, मतलब हर चीज का। उसका नाम बब्बी था, उसको बब्बी रूबी बब्बी बोलती थी, रूबी उसको बब्बी, बब्बी बेबी, तो मैं भी उसको बब्बी बब्बी बोलता था, मैं भी उसको हाँ बब्बी। तो हम लोग सीरियल खोलने आते बब्बी हबी चब्बी ऐसा कुछ हो, मेरा नाम चब्बी और वो बब्बी और रूबी ना कुछ नाम ऐसा कुछ, बब्बी बेबी ऐसा कुछ। सो अभिनव ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे मेरे कपड़े मिलते नहीं थे, मुझे मेरे कपड़े क्या पहने पता नहीं होता था, मैं बहुत कंफ्यूज था, मेरे को स्ट्रेस उसी का था, पहनना क्या है, सोना क्या है, नाइट ड्रेस क्या है, ये नहीं कि टास्क में क्या हो रहा है, वो सब मुझे समझता था, मगर क्या कहाँ रखा चीजें मिलती नहीं थी, मैं उसमें कंफ्यूज रहता था कि मेरी पत्नी सारी चीजें देखती है, वो ख्याल रखती चीजों का, और वहां मेरा कोई नहीं था, तो मैं बहुत कंफ्यूज था। मेरी बैग मेरे को मेरे संभलती नहीं थी, सोनाली जी मेरी बैग ठीक से करती थी, अभिनव ने मेरे बाल बनाए, मेरे बाल काटे, मेरे बाल कलर की, मेरी बियर्ड ट्रिम की, मेरे बियर्ड कलर की, मेरे ड्रेसिंग कराए, मेरे कुछ खाने की चीजें, तो मुझे रूबीना अभिनव मुझे रोज एप्पल खिलाते थे, बहुत हंसते थे हम लोग, वो बहुत मस्ती करते थे। रूबीना काफी फनी है एक्चुअली, आपको टीवी पे नहीं दिखाई दिया, रूबीना में बहुत ह्यूमर है और जबरदस्त ह्यूमर है, जितना रूबीना घर में हंसी उतना कोई नहीं हंसा है, और उसका ह्यूमर जबरदस्त है, तो उसकी वो छवि कहीं दिखी नहीं है, और काफी फनी है वो, खुद तो जोक क्या नहीं जो करती, क्रैक करती हूँ? नहीं वो जोक नहीं क्रैक करती, पर ह्यूमर पे बहुत हंसती, बहुत ज्यादा है वो, राहुल, खास होके। अभिनव? हाँ हाँ बताइए आप। आप बताइए। हाँ, अभिनव आपको सपोर्ट करने की वजह से वो नॉमिनेट हो गए, क्योंकि नॉमिनेशन से वो कहते हैं राहुल महाजन का नाम नहीं लूंगा, वो मेरा दोस्त है, और इस चक्कर में वो नॉमिनेट हो गए। पर उसका संबंध क्या था, मैं तो घर से निकल चुका था, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, मैं जब घर पे हुई नहीं, और वो सपोर्ट की बात पिछले वीक हुई थी जब उसने मेरे को वोट किया था, तब उस जब हाँ किसको एलिमिनेट से बचाना है, वो बात वो कॉन्टेक्स्ट में थी, जैसे बिग बॉस गलत समझे बात को। और जब मैं घर से निकल चुका हूँ तो अभी अभिनव कैसे मुझे बोल सकता है, मतलब वो तो बात रिलेवेंट ही नहीं है ना। नहीं, वो दिखाया बाद में, इन लोगों ने बाद में दिखाया शायद क्लिप या जो भी, वॉट एवर। अगर एक जो बहुत अहम मुद्दा घर में उठा, राखी सावंत की नाक और जैस्मिन भसीन को लेकर के, वो क्या पूरा मामला था? चोट लगी लगातार, यहां से राखी रो रही थी, वहां से जैस्मिन भसीन उनका मजाक उड़ा रही थी, आप उसको उसके बारे देखिए में क्या कहेंगे?
देखिए पहले बात, हमको लगाने से चोट लग सकती है, वो प्लास्टिक की चीज, मैंने भी राखी को चोट लग गया, मैंने भी 3-4 बार जोर जोर से अपने फेस पे घुमाई, चोट नहीं लगी, बट पॉसिबिलिटी चोट लग सकती है। क्या वो चोट ना सर पटकने से लगी टेबल पे, क्या चोट वो प्लास्टिक के रबर रबर सॉरी रबर सलमा मैंने रबर कहा था, रबर की मास से लगी, ये सिर्फ फोरेंसिक वाले बता सकते हैं, यू नो सीआईएफएस वाले या सरकारी बता सकती है कि ये चीज कैसे लगी। राखी को जरूर चोट लगी है, अगर डॉक्टर के चोट पर, चोट खुद सेल्फ इंफ्लिक्टेड है या कवर से लगी, ये कहना मतलब आपको एफबीआई के लेवल के या सीबीआई के लेवल के आदमी कह सकता है, या फोरेंसिक लेवल पे बता सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। बिग बॉस, जितने बिग बॉस के कैमरा है, जितनी बिग बॉस की बुद्धि है या जितने उनके पास लोग है, उनके हिसाब से ये चोट किस वजह से लगी, ये कहना नामुमकिन है, नामुमकिन है चैलेंज पे। भाई एफबीआई भी आ जाएगी यहाँ पर तो। हाँ। राहुल, आपने विकास गुप्ता को मास्टरमाइंड नहीं बेवकूफ कहा हाँ, वीकेंड के बाद में, क्या क्योंकि कहना चाहेंगे? वो तो नाम था, देखिए वो उसने भी खुद कहा कि बेवकूफ बनने का जो गुस्सा नहीं करेगा वही था, क्योंकि वो हर बार एक तो टीवी पे हमको दिखता नहीं था, टीवी पे दिखता था हमेशा, मैंने देखा कि हमको तो दिखता नहीं था, बाथरूम में कहीं छुपा रहता था, पता नहीं कहाँ घर में होता था, उसको ढूंढना मुश्किल था हमारे लिए, इतने बड़े घर में दिखता नहीं था, मगर वो हर बात को, कोई भी उसको बजा रहा था, कोई भी उसको खींचता था, कोई भी ड्रैग करके कहीं भी ले जाता था, उसको मतलब डॉल की तरह था, और हर बार रोता था, हर बार मतलब वही वही विक्टम बन रहा था, शायद वो सचमुच का मास्टरमाइंड था, पर मुझे तो बड़ा बेवकूफ लगता था, हर बात के रो रहा है, मुझे लगा था मास्टरमाइंड स्ट्रांग आदमी, खतरनाक आदमी होगा जो बात करेगा, जो एकदम शब्दों में जिसके वजन होगा, जो एकदम शातिर बातें करेगा, उसकी बात मैं वैसे टाइप का ही था वो, तो मुझे वो इतना मास्टरमाइंड नहीं लगा, और शायद उसका वही बेवकूफ बनना ही मास्टरमाइंड था, उसका बेवकूफ वाली इमेज उसकी मास्टरमाइंड थी वो। राहुल वैद्य को सलमान खान ने जमूरा कह दिया कि वो अली का जमूरा है। घर के अंदर क्या ऐसा सिचुएशन दिखाई पड़ा आपको? आपको क्या लगता है? देखिए अभी सलमान भाई ने क्या कहा उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने अगर मुझे उन्होंने पूछा होता वहां कि राहुल तुम्हें कुछ कहना, तो मैं अपनी मन की बात कहता, अभी मैं कुछ डायरेक्टली उस बारे में नहीं कहूंगा, आपको अलग से जवाब दूंगा, कि अगर मुझे वो कुछ हाँ पूछते तो मैं उनका जवाब, तो वो अभी मीडिया में कहना गलत होगा कि वहाँ सलमान भाई नहीं है, घर के सदस्य नहीं है जवाब देने के लिए। जहां तक कि अली का जमूरा, जमूरा क्या होता है वैसे? जमूरा यानी जो उसकी धुन पे नाचे, बंदर, जो आपकी धुन पे नाचे, मतलब आपका हाँ पपेट कठपुतली। कठपुतली, वो दोनों बहुत खास दोस्त है दोनों, और दोनों प्राउड है एक दूसरे के जमुरा बनने के लिए, वो दोनों को पूछो आप जमुरे तो वो लोग प्राउड है, और दोनों से प्राउड है उनकी दोस्ती इतनी अच्छी, तो क्या प्रॉब्लम है किसी को, वो मानते हैं कि हम राहुल एक जमुरा हैं। हाँ चीज, दोनों में से बड़ा प्लानर कौन है, एली या राहुल? अरे वो प्लानर्स स्ट्रेटेजिक नहीं गेम है, दोनों में से ज्यादा गेम कौन समझता है, राहुल या एली? अली समझता ज्यादा, अली समझता ज्यादा, पर राहुल भी और बहुत ये होशियार है, वो लोग जैस्मिन, फनी भी है, दे आर फनी ऑल्सो, दे आर वेरी फनी, हम लोग की तो दोस्ती में, और हम लोग घर का ही मजा लेते थे, काफी हाँ मस्ती करते थे हम घर में, तो हम घर का ही मजा लेते थे, घर में झगड़े चले तो हम हंसते थे बैठ के कि देखो बिग बॉस देख रहे, झगड़े चल रहे, तो हम लोग एज ए व्यूअर देखते थे घर के अंदर ही बैठ के, सोफे पे हम बैठते थे और देखते थे सारी चीजें क्या हो रही है। और जैस्मिन और रुबीना के झगड़े के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं क्यों झगड़ा करते हैं, लोग लाइक माइंडेड लोग हैं, मैं चाहता हूँ दोस्ती करे, क्यों झगड़ा करते, कई बार वो ट्रिप हो जाते झगड़ा करते, बट उनमें सिमिलरिटीज बहुत है दोस्ती करने की, रादर देन डिफरेंसेस है दुश्मनी करने की, तो मैं हमेशा चाहूंगा उनको कहाँ भी कि आप दोस्त बन जाओ, तो पता नहीं क्यों नहीं बने वो। जैस्मिन जो रोती है, उनका रोना कल सलमान खान ने कह दिया कि आपका चेहरा और आपकी पर्सनालिटी दोनों अलग अलग लगते हैं, जो यहाँ पे दर्शकों को भी लगता है कि वो जो टास्क में लड़ती जैस्मिन वो अलग होती हैं, और जो सलमान खान के सामने या आपके सामने भी वैसे करती थी, आपके सामने भी बहुत बोली बनती थी, रोने का वो करती थी, तो क्या ये दो रूप है उनके? नहीं, जासमीन का क्या है ना, जासमीन बड़ी जेन्युइन है, उसको ना वो भावना में बह जाती है, उसको समझाया था मैंने कि अगर भावनाओं की 4-5 नदियां चल रही है ना, तो जासमीन का कोई लेना देना भी नहीं होगा ना, मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, जो मैं अगर राहुल से बात कर रहा हूँ, अरे यार घर में कोई बहुत सेल्फिश है, जासमीन आके बोलेगी क्या मैं सेल्फिश हूँ, तुम्हें सेल्फिश समझ लो, तो भावनाएं कहीं भी बह रही हो या अपना लोटा भर के आ जाती है वहां से, और उसको बोला जासमीन तेरी एक ही कमजोरी है कि तू कहीं भी कुछ भी चल रहा हो सब्जेक्ट, जहां भी भावनाएं बह रही हो तुम अपने आप को इन्वॉल्व कर देती हो, सिर्फ भावना में बह रही है, तो थोड़ा उसको भावनाओं पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना जरूरी है, तो देखो हर एक का किरदार होता है, वो नाटक नहीं करती पक्का, वो इमोशनल हो जाती है, उतनी केयरिंग भी है जैस्मिन, उतनी केयरिंग भी है, उतनी लविंग भी है पर्सन, एज ए पर्सन वो मुझे बोलती भी थी स्टार्टिंग में,
बोलती थी राहुल देखो लग जाएगा, तेरे बीच में मत आओ, यू नो टास्क मुझे ऐसे करती थी, दिखाती थी आके दिखाते, और बाद में फिर गुच्ची गुच्ची को मेरी गाल भी खींचती थी ना, तो वो दोनों तरह की है, वो उस तरह की पर्सन है जो भावना में बह जाती है, वो नाटक नहीं है, नौटंकी नहीं है। रुबीना को जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लोग कहते हैं, क्या रुबीना में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आपको लगता है? रुबीना बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर उसका बहुत हाई है, आपने किसी ने देखा नहीं है रुबीना इतनी हंसती है, खासकर मन्नू के जोक पे और मेरे जोक पे रुबीना जितनी हंसी उतना कोई नहीं हंसा, घर में सबसे ज्यादा रुबीना को हंसते हुए देखा, मैंने उनको बहुत गलत समझा था, काफी हंसती है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, रुबीना का क्या थॉट प्रोसेस क्लियर है, उनकी प्रायोरिटीज और डिसलाइक्स क्लियर है, जब आदमी के दिमाग की क्लियरिटी क्लियर होती है और इमोशन से आप बहते नहीं, आप सिर्फ लॉजिक से चलते हो, तो लोगों को लग सकता है कि आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, बट दैट इज नॉट सुपीरियरिटी, इट्स क्लियरिटी ऑफ द माइंड, इट्स नॉट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इट्स जस्ट बीइंग क्लियर। बहुत अच्छे से आपने ये पॉइंट समझाया राहुल। राहुल अभिनव और रुबीना का भी थोड़ा झगड़ा बाहर दिखाई पड़ता है, तो क्या घर के अंदर उनका झगड़ा होता है? मैं सिर्फ जाते वक्त एक ही चीज कही उनको कि रुबीना को कि अभिनव को परेशान मत करना, क्योंकि अभिनव मेरा दोस्त था, मैं परेशान होता था, और रुबीना कई बार भड़क जाती थी कि अभिनव मेरा इतना क्यों ख्याल रख रहा है, खुद तैयार नहीं हो रहा है, मतलब कई बार रुबीना उसको कहती थी कि मेरे लिए प्रोटीन शेक बना और अभिनव मेरे मेरे मेरी को तैयारी कर रहा है यार, मुझे एज ए कैप्टन वो मेरे को द फीस पिला रहा है मेरे लिए कॉफी ला रहा है या ऐसे कर रहा है चुपचाप कुछ ना कुछ मेरे लिए करता था, और रुबीना की सुनता नहीं था, वो अभिनव को फर्क नहीं पड़ता था, वो रुबीना कितना भी कुछ करे अभिनव अपना जो मन पसंद वही चीज करता था, रुबीना चिल्लाते रहे करते रहे वो चलते रहे, पर उनका एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है दोनों में, आपको लगता है झगड़ा करते हैं पर वो कपल इतना क्या बोलते हैं, कपल में एक होता है कि एक होता है लव और एक कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की है कि गजब का लेवल है, वो दोनों टायर एंड एकदम परफेक्टली ऑपरेशनल कपल है, वो प्रैक्टिकल होता है ना कि लॉजिस्टिकली वो लोग दोनों इसके एकदम परफेक्ट, दोनों की कबर्ड दोनों की बैग एकदम सॉर्टेड आउट है, कोई गड़बड़ नहीं, किसी को हर एक को दोनों को पता है क्या बोलना है क्या सोचना है क्या करना है, और कई बार अभिनव बात सही बोलता था रुबीना को, एडवाइस जो लास्ट में भी जाने का दिया उसने कि ऐसा मत करो, अभिनव की बातें बहुत सुलझी हुई थी, कई बार चिल्लाता पर सुलझी हुई बातें करती थी, रुबीना ने उसकी बातें सुननी चाहिए। अभी इस हफ्ते राहुल बहुत चारों लोग जो हैं जो टॉप कॉन्टेस्टेंट्स हैं वो नॉमिनेटेड हैं, आपको क्या लगता है कि रुबीना अभिनव जैस्मिन एली में से कौन निकल सकता है? चारों शुरू से हैं और चारों, देखिए मैं बता नहीं सकता पब्लिक क्या चाहती है, मैं इतना शो दे मतलब उसमें नहीं हूँ, मुझे पता नहीं कौन निकल, कोई भी निकल सकता है, निकलने में तो जनता की इस पे लोगों के वोट पे क्या मूड है, अब और क्या कांड होते हैं हफ्ते भर में, बात कांड हफ्ते भर की होती है, एक दिन में वोटिंग चेंज हो जाएगी, पर कोई ना कोई निकलेगा और गेम थोड़ा बहुत पलटेगा इसमें, देखिए जैसे अगर अभिनव निकल जाता है तो उससे बहुत बड़ा इफेक्ट रुबीना को भी हो जाएगा, क्योंकि रुबीना का सपोर्ट है, रुबीना उसके बिना अब तक यहाँ आ नहीं पाती थी, और अगर कल रुबीना जीतती भी है शो किसी कारण वो अभिनव की वजह से होगा, क्योंकि अभिनव उसका सपोर्ट है, आपको बाहर से लगे झगड़ा पर दोनों की प्यार इतना ज्यादा अंदर है कि वो उसका सपोर्ट निकाल दो रुबीना, तो रुबीना एकदम मतलब 50% पे आ जाएगी, तो अभिनव निकल जाने से रुबीना को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, जैसे कि एली के निकलने से जैस्मिन को नुकसान हो जाएगा, तो बहुत इंटरलिंक्ड एक दूसरे से ये लोग है, मगर उल्टा करो अगर आप, अगर रुबीना जैस्मिन जाती तो अली और अभिनव का गेम चेंज नहीं होता, तो वो दोनों इंटरलिंक दूसरे से है, यू नो क्योंकि दोनों लेडीज एक्चुअली दोनों लड़कों के ऊपर बहुत निर्भर है, बहुत डीप लेवल पे निर्भर है, मतलब नॉट ओनली लव बट एक्चुअल सपोर्ट वाइज बहुत निर्भर है और बहुत इंटेंस रिलेशन इनमें है, मैं चाहता कि कोई भी दूसरे से अलग हो जाए। ये दो चीजें राखी और अर्शी की दोस्ती है दुश्मनी है, क्या लगता है आपको? देखो दोनों एक ही स्पेस के लिए फाइट कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट 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 के लिए, तो उनमें से एक ही क्वीन बन सकती है, तो दोनों में दोस्ती होने का सवाल ही उठ नहीं सकता, आखिर अर्शी को राखी को आउट करना है या राखी को अर्शी को आउट करना है, दोनों में से रहेगा तो एक ही, आखिर में दोनों नहीं रह सकती इस घर में। और अर्शी और विकास के लिए इतनी बड़ी लड़ाई हुई इन दोनों में, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि दोनों का तालमेल है, दोनों एक दूसरे से मिलकर खेल रहे हैं, अभी भी घर में एली राहुल इन सबका ये मानना है, आप क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे भी शक पड़ता है कि कहीं ना कहीं असली टीम सिर्फ अर्शी और कहीं ना कहीं विकास है, इनका पता नहीं क्या इतना झगड़ा उनका, इनका कुछ ना कुछ बातचीत चुपचाप होती रहती है, कहीं ना कहीं होती रहती है, शायद दर्शकों ने देखा मैंने देखा नहीं, बट हमें एक शक है कि कहीं ना कहीं ये दोनों ही असली टीम है और बाकी सब ऐसी टीमें बोली जा रही है, असली गट तो दोनों का ही है। राहुल वो जो भूत वाला टास्क हुआ था, भूत वाले टास्क में दो तीन चीजें हुई, एक तो भूत वाले टास्क में जैस्मिन ने आपसे सब, जैस्मिन ने डिसाइड किया कि एजाज को बाहर भेज, जबकि एजाज आपके अच्छे दोस्त थे,
आप कैसे कन्विंस हुए अजाज को बाहर भेजने के लिए? बात थी कि एजाज हमें कॉइन नहीं देने वाला था, तो अगर वो बाहर जाके कॉइन देगा तो कम से कम उसके पास कॉइन नहीं रहेंगे, बिकॉज वो कभी जैस्मिन को कॉइन देगा नहीं, मुझे दे देता, बिकॉज एजाज मेरा दोस्त था, मेरा सब दोस्ती थी, पर वो जैस्मिन का दोस्त नहीं था, देखो मेरी सबसे दोस्ती थी, तो एजाज बाहर जाएगा तो उससे रात की कॉइन ले ली थी, ये सोच के हमने किया कि कम से कम एजाज के पास कॉइन नहीं होने चाहिए, हमारा पर्पज है कि कॉइनलेस होगा तो ही ठीक है ना, भले वो राखी को मिल जाए हमारे कॉइन उसके कम हो जाए, और कभी जैस्मिन के लिए, जैस्मिन कैप्टनशिप और हमारी कैप्टनशिप के लिए कभी कॉइन देता नहीं, मैं अकेला होता तो कॉइन देता मैं जैस्मिन को कभी नहीं देता, इस कारण हमने उसको भेजा बाहर, तो लग ये रहा था कि सर्वसम्मति से भेजा था, जैस्मिन को डोमिनेट नहीं कर रही थी, मुझे इस बात समझी किसको भेजना है किसको नहीं भेजना, जो हमें नहीं देना उसको बाहर भेजो, सबके कॉइन निकालो, बस यही पर्पज था हमारा। राहुल, राखी ने जो राखी ने आपकी धोती फाड़ी और उसके लिए उनको बहुत सारा कुछ दर्शकों ने बाहर बहुत कहा, घर के अंदर बहुत हुआ था। दो चीजें, एक तो ये मुद्दा वीकेंड के वार में नहीं उठा, उठना चाहिए था। दूसरा कि अभिनव ने, राहुल वैद्य ने और एली ने बहुत आवाज उठाई, अगर ये लोग आवाज नहीं उठाते तो आप भी आवाज अकेले उठाते? देखिए राखी ने धोती मेरे दो बार फाड़ी थी, एक बार स्टार्टिंग में आधी फटी थी और सेकंड टाइम उसने पूरा मतलब मेरी अंडरवेयर तक फाड़ी थी, और अचानक से फिर मेरे ख्याल से जैस्मिन ने कवर कर लिए कपड़े, तब इन्होंने कहा था अगर ये सेम चीज और किसी महिला के साथ हो जाती तो देश भर में बहुत बड़ा कपड़ा हो जाता, पुलिस केस हो जाती, कि चूंकि मैं पुरुष था ये नहीं हुआ, उन्होंने आवाज मेरे लिए नहीं उठाई, उन्होंने आवाज मुद्दे पे उठाई थी, ये राहुल मेरा सब मुद्दे का सपोर्ट था, फिर बिग बॉस ने बोला और बोला कि आप बहुत सीनियर लोग हो और बात का बतंगड़ मत बनाइए, दोस्ती करनी दोस्ती करिए, सुलह कर लीजिए, एक बार बिग बॉस से सुलह हो गई तो मुझे भी रिलाइज हुआ कि खींच के कुछ फायदा नहीं इस बात का, शो चलना चाहिए, मैं क्या खींचू चीज को और किससे लड़ू, राखी से लड़के क्या करूंगा, मतलब क्या करूंगा, राखी को हार्म क्यों करूंगा, ऐसी मेरी क्या दुश्मनी उससे है कि उसको तकलीफ दू, मैं क्यों तकलीफ दू और शो को तकलीफ क्यों दू, तो एक बार सुलह होने के बाद वो विषय वीकेंड पे उठ ही नहीं सकता, कि सुलह हो गई है, जो चीज का सीज फायर हो गया है तो वीकेंड पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसलिए सुलह करवाई गई है, वरना मतलब ही नहीं था। जो एक एक राहुल एक ये मुद्दा होता कि घर में इन इक्वालिटी है किचन में, पुराने लोगों चैलेंजर्स को घर किचन में, राखी को और विकास इन लोगों को खाना ठीक से नहीं मिलता, इस बारे में आपको क्या कहना है? बिल्कुल गलत बात है, सबको खाना बराबर से मिल रहा है, अगर लोग चाहेंगे चार चार पांच पांच घंटे खाना खाना और लोग निकाल के नहीं खाना, हमने विकास को ये चॉइस भी दी थी कि भाई विकास तू सबसे पहले आ और तू अपने कितने जितने चाहिए उतने पराठे निकाल ले खाना निकाल ले, उसने मना कर दिया इस बात से, तो मैं ये कहता हूँ बिल्कुल कोई पार्शियलिटी किसी भी लेवल पे, मैं खुद कैप्टन राव मैंने देखा है, हमारा ये प्रॉब्लम क्यों हुई कि हमारा राशन अचानक से खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया था हमारा, तब हमें रियलाइज हो गया हमें राशनिंग करना जरूरी था, और बिग बॉस का फॉर्मेट ये है कि कम खाने पे है, बिग बॉस का फॉर्मेट ये नहीं कि आप दाल पकवान खाओ, फॉर्मेट में अगर हमको घी खाना पकौड़े सब दिया जाए तो हम करेंगे क्या, कुछ भी तो नहीं करेंगे, ये फॉर्मेट बिग ब्रदर का ही है कि कम खाना हो, इनको अगर सिर्फ दाल चावल और नमक भी दे हमें, हल्दी दे दे बस, उनको सिर्फ हमें जिंदा रखने के लिए खाना देना चाहिए उतना ही बस होता है, तो ये पूरा फॉर्मेट वैसे बेस्ट है, चूंकि हमारे आटा खत्म हो गया था और इसका बात का बतंगड़ बनाया गया, कोई पार्शियलिटी नहीं थी, जिसको जो चाहिए खाना सब ले रहे थे, मगर इन्होंने इसको मिसअंडरस्टैंडिंग की और शायद बिग बॉस मिसअंडरस्टैंड कर रही है इस बात को, और बात को बड़ा गलत तरीके से रखा गया, तो कोई खाने में कोई बायस नहीं था, सब लोग अपने हिसाब से खा रहे थे, मैं भूखा होता था मुझे खाना सही मिलता था और कोई किसी के लिए गलत नहीं कर रहा था, शायद कोई एक रोटी एक्स्ट्रा खा ली तो कोई वो कोई बात नहीं, उससे बड़ी बात नहीं थी। मैं कुछ आपसे टैग्स पूछूंगी, आप बताइए आस्तीन का सांप कौन है घर में? आस्तीन का सांप विकास खन्ना, विकास गुप्ता, विकास गुप्ता। चमचा नंबर वन राहुल वैद्य, राहुल वैद्य चमचा है? नहीं मैं मुझे बहुत आई हेट इट, अभी क्या बोलता हूँ, और क्लोजेस्ट अली से दूसरा कोई नहीं था, अली भी हो सकते राहुल भी हो सकते दोनों हो सकते, बाद में मुझे पीटेंगे इस बात के लिए वो, हाँ क्यों दोस्त है ना, तो एक दूसरे के चमचे वो मानते भी और खुश भी हो चमचागिरी में। खोटा सिक्का कौन है घर में? खोटा सिक्का राखी सावंत, खोटा सिक्का है। गुलाम कौन है? ओ मेरा दोस्त अभिनव। अच्छा अभिनव अपनी बीवी का गुलाम। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये बताइए जोड़ी नंबर वन किसकी है? अभिनव और रुबीना, अभिनव रुबीना की है। जबरदस्त जोड़ी।
फेक कौन है? फेक नकली राखी सावंत। राखी सावंत जो कर रही है आपको फेक लग रहा है? पूरा फेक है उनका, बस जो वो दिखा रही है। मतलब वो मुझे उनकी भाषा समझ नहीं आती है उसका। आप खत्म कीजिए, बताता हूँ उनके बारे में, फिर आप पहले ये टैग्स खत्म कर दीजिए, फिर बात करता हूँ। हाँ आपके हो गए अच्छा, टैग्स? हाँ, नहीं ये नल्ला बिग बॉस का ये फेवरेट कुछ वर्ड। ये अर्शी को जा सकता है कि सबसे ज्यादा उसने यूज किया बोलने में, और नल्ली नहीं है, वो बहुत काबिलियत है, पर नल्ला उसी के लिए जाएगा बिकॉज सबसे ज्यादा नल्ला वही बोलती है। हाँ क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, नकली आंसू। ये 100% राखी सावंत और कोई नहीं है। राखी सावंत, ओके। हाँ मोहल्ले की आंटी जो बैठ के चुगली करती सबके बारे में। मोहल्ले की आंटी तो सोनाली होगी, वो चुगली नहीं करती है, और मोहल्ले की आंटी जरूर होगी। आंटी अंकल दोनों हो सकते हैं आप, मतलब मोहल्ले की चुगलीखोर आंटी कौन है जो सबकी चुगलियां करती है? निक्की कौन? निक्की निकी, निक्की आई थिंक निक्की निक्की निकी, हाँ ओके, हाँ निकी। डबल ढोल की वो भी निकी है। निकी के बारे में बात करेंगे हम? निकी के बारे में बात नहीं किया मैं। बिन पेंदी का लोटा, बिन पिंडी मतलब क्या होता है? अच्छा, बिन पेंदी मतलब जैसे कोई स्टैंड नहीं, यहां भी लुढ़क गया वहां भी लुढ़क गया, अपना कोई स्टैंड नहीं है। ये मुश्किल है, ये किसी के बारे में बोल नहीं सकता हूं मैं, ये कोई नहीं फिलहाल। मास्टरमाइंड कौन है इस वक्त घर में? मास्टरमाइंड मेरे ख्याल से अभी तो सचमुच समझता है वो, बुद्धि की वजह से, नॉट इन अ बैड वे, अभिनव है, इसकी बुद्धि सबसे शार्प है घर में इंटेलिजेंस के हिसाब से। राखी अब राखी के बारे में आप कुछ बोल रहे हैं, राखी और निकी के बारे में बात करते हैं, राखी के बारे में बताया। हाँ आप पूछिए सवाल। तो राखी घर में जो आई है, जो उनका किरदार है, जैसे वो बिहेव कर रही है, सब लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनका एंटरटेनिंग फैक्टर पसंद आ रहा है। हालांकि वो एक्सट्रीम में चली गई थी जब ये धोती वाला इंसिडेंट हुआ, तब लोगों ने उनको बैश किया। उनके पूरे गेम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ राखी काफी, देखिए राखी को समझता हूँ, उनके बचपन को जानता हूँ, उनके बचपन में उनको डांस करने, उसके पिताजी उनके घर वाले उनको मारते थे, उनको स्टिचेस होती थी, काफी उनका बचपन का उन्होंने शेयर किया मेरे साथ, सब कुछ शेयर किया लाइफ में, उनका पति, उनका 1.5 साल से मिला नहीं है, बहुत सारी चीजें। मगर मुझे लगता है एक गेम एक साथ, ये राखी बहुत सीनियर है, एक सीनियर अदाकार है, मेरे से पहले आई है, थोड़ी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। आप सोचिए हेमा मालिनी शो में आ जाए या रेखा जी आ जाए तो वो क्या डिग्निटी पे रहेंगी, तो वैसे राखी हमारे लिए भी वो डिग्निफाइड इतनी बड़ी लेवल की रियलिटी शो के लिए है, तो क्या हेमा जी एक लेवल पे आके फालतू बात करेंगी? नहीं, नहीं करेंगी ना, तो हम राखी को भी उसी कदर का एक रियलिटी शो का उस लेवल का, मतलब उस सेम नहीं उसी मापदंड में मानते कि राखी ने भी वही, एक रेखा जी हेमा जी अगर आती ऐसे कोई शो में वो कैसे बिहेव करती। सर राखी का बिहेवियर भी थोड़ा दया बड़ा होना चाहिए, उसको एक ऑडियंस को जो कैटर करती है, एक ऑडियंस का ग्रुप है हमारे, जो जिस तरह की हमारे जैसे जैसे राजा वैसी प्रजा, जैसी प्रजा जैसी दर्शक वैसा कलाकार, तो दर्शक ही ऐसा चाहेंगे तो लोग कलाकार वैसे ही काम करेगा। तो अब कटाक्ष में समाज पे करना चाहो, समाज का प्रतिबिंब ही ये सारे कलाकार है, कहीं ना कहीं आपने मुद्दा समाज हम। उठाया था, आपने मुद्दा हाँ उठाया था ये। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि राखी जो कुछ कर रही है वो अपने ऑडियंस को केटर करने के लिए कर रही। राखी साउंड तो ऐसे करूंगी मैं, नाक में ट्रिमर डालूंगी, मैं कहूंगी पंखे निकाल दो, वो सब कुछ फनी 10 सेकंड के लगेगा आपको, 2 मिनट की वीडियो के लगेगा, 10 मिनट में लगेगा, पर 24 घंटा राखी सावंत के साथ आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि एक हफ्ता कोई भी आदमी साथ रह ले, मैं जितनी बिग बॉस की प्राइज बनी है उनको खुद दे दूंगा, शांति से रह ले एक हफ्ता राखी सावंत के साथ, आप रह नहीं सकते, वो चीज लगातार चलती रहेगी मेरे ख्याल से, जो लोग कंट्रोल रूम में भी नहीं करेंगे। राखी गलत नहीं, राखी ने बहुत दुख दर्द है, वो अच्छी लड़की अंदर से है, पता नहीं वो ऐसे क्यों करती है, मुझको बोलते राखी तो ऐसी नहीं है, क्यों करती है वो चिल्लाना, हर जगह बोलना मैं हक दूंगी, पॉटी के बारे में बात करना, उस दिन वो बोली मैं किचन में पॉटी करना चाहती हूँ एक टास्क के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ये चीजें मतलब इतनी गंदी थी, इतनी गंदी लेवल पे थी कि उस लेवल पे उतरना मुश्किल था सबके लिए। तो एक लेवल नहीं क्रॉस, आप सीनियर मोस्ट हो, आप मेरे से सीनियर हो, आपने मैक्सिमम रियलिटी शोज की, आपके नाम से शो हुआ है, आप मतलब आप मोदी जी के शपथ ग्रहण में जाती है, तो आप एक डिग्निफाइड लेवल पे रहना चाहिए। भले आप सावंतवाड़ी से आई है, आपके आपके साथ बचपन में बहुत अत्याचार हुआ, आपके साथ अत्याचार बाद में हुआ, इसका मतलब आपको अनडिग्निफाइड होने का कोई अधिकार नहीं है, आपको और डिग्निफाइड होना चाहिए। अगर आप एक कोयले की तरह दबी गई और आपका हीरा बना है तो हीरा चमकना चाहिए, वो कोयला बन के नहीं रहता है।
तो आपको जो प्रेशर और टेम्परेचर में आप पे जो बदलाव आता है, आपको हीरा बनना चाहिए, आप कोयला ही रही है। तो आपने वो एक बड़ापन दिल का और थोड़ा एक सादगी, एक लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस करनी चाहिए। उन्हें लगा कि उनका दर्शक वही पसंद करेंगे अगर ये हमेशा चीपर बिहेवियर करेंगे। इसलिए मैंने कहा था वो भी चीप है, उनके दर्शक भी चीप है। राहुल कलर्स वाले वाइंड अप करने के लिए कह रहे हैं, उससे पहले एक सवाल निकी के बारे में। निकी निकी से आपकी दोस्ती को लेकर के बहुत सवाल हुए और निकी हमेशा आपको कुछ ना कुछ बोलती भी रही, तो निकी कैसी है?